Okay, cos alpha minus beta is equal to cos alpha cos beta plus sin alpha sin beta. This is fundamental law of trigonometry. इसे हम लोगों ने प्रूव करना है यूजिंग वेक्टर्स. इसको हम स्टेप्स में डिवाइड कर लेते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी डायग्राम वेरी इंपॉर्टेंट. हमें दो यूनिट वेक्टर्स लेने हैं. आई विल शो यू. सेकंड, उन यूनिट वेक्टर्स की डॉट प्रोडक्ट बाय कंपोनेंट्स. स्टेप नंबर थ्री, डॉट प्रोडक्ट बाय डेफिनेशन एंड देन विल बी डन. लेट मी शो यू. दिस इज आवर एक्स एक्सिस and y-axis, origin. मेरी यहां पे वो a यूनिट वेक्टर, ये मेरे पास एक दूसरा यूनिट वेक्टर ओ बी, इनके कोई ना कोई एंगल्स. तो इसका एंगल x एक्सिस के साथ अल्फा, दूसरे वाले का x एक्सिस के साथ एंगल बीटा. इन दोनों यूनिट वेक्टर्स को इन टर्म्स ऑफ कॉस साइन, इन टर्म्स ऑफ यूनिट वेक्टर्स आई और जे, लेट्स एक्सप्रेस दम. थोड़ा सा मैं आपको वैसे रिवाइज करवा देता हूं. इफ यू हैव अ वेक्टर एफ मेकिंग एन एंगल थीटा विद एक्स एक्सिस, इसमें इसका एक्स कंपोनेंट है, दैट इज एफ कॉस थीटा, एंड वाई कंपोनेंट एफ साइन थीटा. इसको हम कंबाइन वेक्टर को इन टर्म्स ऑफ यूनिट वेक्टर्स आई और जे अगर देखना चाहें तो आपको जो एफ वेक्टर है दैट इज एफ कॉस थीटा आई यूनिट वेक्टर प्लस एफ साइन थीटा जे यूनिट वेक्टर. सेम यही स्ट्रेटजी ओ ए यूनिट वेक्टर को हम एक्सप्रेस करने में लगाएंगे. सो ओ ए यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू कॉस अल्फा I unit vector plus sin alpha J unit vector. अब यहां पर हम साथ F magnitude of force लिखते हैं. Since हमने इसको assume किया हुआ it is a unit vector, इसलिए इसकी magnitude 1, that is why I haven't written here. Okay, OB unit vector. अब OB unit vector को अगर आप देखें from the diagram, इसका x-axis के साथ angle है beta. So that's why it would be cos beta I unit vector plus sin beta J unit vector. आप बेशक इसके साथ बता दीजिए कि यहां पर ओ ए और ओ बी जो है वो यूनिट वेक्टर्स हैं. दैट इज व्हाई ये आप इस तरह बता देना कि ओ ए मैग्नीट्यूड 1, ओ बी इट्स मैग्नीट्यूड इज आल्सो 1. स्टॉप. All right, we have unit vectors OA and OB. अब हम अपने next step की तरफ move करते हैं. Next step हमें dot product find करना. एक दफा by definition और एक दफा by components. We are going to compare them to get the result. Dot product by definition आपको formula में बता देता हूँ. For example, अगर आपके पास दो vectors हैं U और V, then U dot V is equal to U V cos of angle between them. लेट्स से उनके दरमियान एंगल थीटा है, तो जो इसकी डेफिनेशन है यू डॉट वी, वो आपके पास होता है यू वी कॉज ऑफ थीटा. लेट्स से दैट इज यू एंड वी, दे आर दे हैव एन एंगल थीटा बिटवीन देम. अब यहां पर हमें चाहिए इस ओ ए और ओ बी वेक्टर के दरमियान एंगल. ओ ए का एक्स एक्सिस के साथ एंगल है अल्फा, बी का एक्स एक्सिस के साथ है एंगल बीटा. हमें इन दरमियान वाले गैप का एंगल फाइंड करना है कि इस गैप में एंगल क्या है, ये वाला एंगल हमें डिटरमिन करना है. अब अगर ऐसे देखिए स्टार्टिंग वाला जो एंगल है, दिस एंगल इज अल्फा. इसको वैसे नंबर लाइन पर समझ लेते हैं, वो आपके लिए समझना ज्यादा आसान है. लेट्स से ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट है और फाइनल पॉइंट तक आप डिस्टेंस कवर करते हैं 5. एक और आप डिस्टेंस यहां पर ट्रेवल करते हैं इसी सेम स्टार्टिंग पॉइंट से, लेकिन आप सिर्फ यहां तक आते हैं कि आपने डिस्टेंस कवर किया 3 यूनिट्स. सो व्हाट इज द गैप. अब हमें ये इसके दरमियान वाला जो डिस्टेंस है ये हमें फाइंड करना है. सो
So what is the distance between these two numbers? That will be the difference. Total 5 है, यहाँ तो 3 cover हुआ है, इसका मतलब ये जो आपका gap है, ये होगा 2 units. या फिर इसके लिए आप expression लिख सकते हैं, 5 minus 3. Same is the case here. आपके पास OA का angle है alpha, for example 50 degree. OB का angle उससे कम है, for example 30 degree. So what is the angle between these two vectors? वो इनका definitely difference होगा. आपके माइंड में 20 डिग्री आ रहा है, दैट्स राइट. लेकिन आपको ये वाली वैल्यूज कंसीडर करनी है, एक एंगल अल्फा एक बीटा, तो जो इनके दरमियान गैप है वो एंगल होगा आपके पास अल्फा माइनस बीटा, अल्फा माइनस बीटा. इस डेफिनेशन में यहां पर हम अप्लाई करते हैं डॉट प्रोडक्ट ऑफ ओ ए विद वेक्टर ओ बी. That will be magnitude of vector OA, magnitude of second vector OB, cos of angle between them which is alpha minus beta. जो मैंने आपको डायग्राम से ऑलरेडी समझा दिया, OA और OB स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया कि ये यूनिट वेक्टर, तो अगर ये यूनिट वेक्टर है तो इनकी मैग्नीट्यूड क्या होगी? 1. आप बेशक यहां मेंशन भी कर रहे हैं, आई थिंक मैंने मेंशन किया था ऑलरेडी, इसको फिर लिख लेते हैं. OA its magnitude is 1, vector OB its magnitude is 1. 1 multiply 1 multiply cos alpha minus beta. So you get cos alpha minus beta. Let's call it equation number 1. जो हमने प्रूव करना है उसके हाफ वे पहुंच गए. हमें cos alpha minus beta लेके आना था. पहले दफा cos alpha minus beta आ गया, कोई सुख का सांस आप ले सकते हैं. Let's move to the second side. Second side में हमें dot product find करनी है by components. Let's revise definition of dot product by components. अगर आपके पास दो vectors हैं, let's say u and v, इनके components हैं आपके पास u1i plus u2j प्लस यू थ्री के, और जो वी वेक्टर है उसके कंपोनेंट्स हैं वी वन आई प्लस वी टू जे प्लस वी थ्री के यूनिट वेक्टर. तो बाय कंपोनेंट्स, इन कंपोनेंट्स को यूज करते हुए हम डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं? यू डॉट वी इज इक्वल टू एक्स कंपोनेंट है यहां पर यू वन, इस वाले में एक्स कंपोनेंट है वी वन, कंबाइन देम बाय मल्टीप्लीकेशन यू वन वी वन. सेकेंड कंपोनेंट यू टू एंड हेयर v2, so u2 v2. थर्ड आपके पास u3, और इस तरफ क्या आ गया v3, मल्टीप्लाई दैट u3 v3. ये बड़े ही आपके पास दो वेक्टर्स के डॉट की डॉट प्रोडक्ट बाय यूजिंग कंपोनेंट्स. अब हमें इस डेफिनेशन को अप्लाई करना है, इन कंपोनेंट्स पर अप्लाई करना है. लकीली इसमें z कंपोनेंट नहीं है, तो हमें सिर्फ मल्टीप्लाई करना है cos अल्फा विद cos beta and sin alpha with sin beta. OA dot product OB, cos alpha multiply by cos beta plus sin alpha multiply by sin beta, sin alpha multiply by sin beta. आप चाहें इस equation को number 2 दे दीजिए. अब दोनों की left hand side बिल्कुल same है, OA dot product with OB, OA dot product with OB. Left hand side is equivalent, to right hand side is equivalent. So from 1 and 2, left hand side is equal to right hand side, and we are done. Yes.